गुड मॉर्निंग एवरीवन, आइए आज के मार्केट सेटअप को समझते हैं। सबसे पहले ग्लोबल मार्केट की बात करें तो कल यूएस मार्केट तेजी के साथ बंद हुए। डाउ जोन्स में करीबन 100 पॉइंट की तेजी देखी गई। मॉर्निंग में भी डाउ फ्यूचर में मोर देन 100 पॉइंट का अपसाइड देखा जा रहा है। मोस्ट ऑफ द एशियन मार्केट पॉजिटिव नोट पर ट्रेड कर रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी में 34 पॉइंट का अपटिक दिख रहा है। कल के डेटा की बात करें तो कैश मार्केट में एफआईएस की तरफ से लगातार दूसरे दिन अच्छी खरीदारी देखी गई। करीबन उन्होंने 1600 करोड़ की खरीदारी की। हालांकि डीआरएस की तरफ से फिर से पिक वाली देखी गई, सेम मोमेंटम में 1600 करोड़ की। एफएनडो डेटा की बात करें तो एफएनडो का डेटा मिक्स है, क्लियर डायरेक्शन कुछ नहीं है। फ्यूचर में उन्होंने 1100 कॉन्टेक्ट लॉन्ग साइड एड किया, वही 4500 कॉन्टेक्ट शॉर्ट साइड एड किए। कॉल में 10000 कॉन्टेक्ट शॉर्ट लॉन्ग साइड कम किए, वही 1700 कॉन्टेक्ट शॉर्ट साइड कवर किए। पुट में उनकी तरफ से 12000 कॉन्टेक्ट शॉर्ट साइड एड हुए, तो लॉन्ग साइड एड हुए तो 15000 कॉन्टेक्ट शॉर्ट साइड एड हुए। तो मिक्स डेटा है। टेक्निकल सेटअप की बात करें तो निफ्टी पॉजिटिव बायस के साथ कंसोलिडेट कर रहा है। हालांकि 12000 से 12100 का एक क्रिटिकल सप्लाई जोन अभी भी बना हुआ है, लेकिन अभी मार्केट में ऐसे कोई बहुत ज्यादा वीकनेस स्क्रीन पे तो नहीं नजर आ रही। अगर 12100 के ऊपर निकलता है तो हम हो सकता है ऑल टाइम हाई की तरफ जाने की तैयारी करें, जहां 12250 इंटरमीडिएट हर्डल रहेगा। नीचे की ओर 11790 इमीडिएट सपोर्ट है, जबकि 11620 से 11580 का एरिया क्रिटिकल सपोर्ट जोन रहेगा। इंट्राडे की बात करें तो ट्रेडर्स को ये एडवाइस है, स्क्रीन को रिस्पेक्ट करें, ऑब्जर्व करें। जहां 11890 इमीडिएट और इंट्राडे सपोर्ट रहेगा, 11890 के ऊपर ट्रेड करता है तो पॉजिटिव लॉन्ग साइड में अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। अगर 11890 के नीचे ट्रेड करता है तो शॉर्ट साइड में भी ट्राई किया जा सकता है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। 24612 इमीडिएट हर्डल है, इसके ऊपर ये अपने नेक्स्ट सप्लाई जोन 25000 से 25200 की तरफ जाने की तैयारी करेगा। नीचे की ओर 24100 से 23950 इमीडिएट और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो जब तक इसके ऊपर है तब तक बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। अब वहीं 23950 के नीचे ट्रेड करता है तो हमको सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, जहाँ 23650 से 23500 अगला सपोर्ट जोन रहेगा। तो ये था आज का मार्केट सेटअप। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।